बहुत लोग का मतलब मेरे पास वीडियो भी आया, उसमें बहुत लोग गलत टेक्निक कर रहे थे बटरफ्लाई की। तो देखिए बटरफ्लाई में क्या होता है ना, एक छोटी सी टिप आप जान लीजिए कि आपका हेड पहले एंटर करेगा, हेड पहले एंटर करेगा उसके बाद हैंड आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, हैंड उनका पहले गिर जाता है उसके बाद हेड जाता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। उस तरह करते रहेंगे उसका कोई इम्प्रूवमेंट आपको हो नहीं पाएगा। आपको करेक्ट टेक्निक मैंने देखिए अपने बेसिक वीडियो में बताई है, और मैं हमेशा करेक्ट ही बताता हूँ, करेक्ट टेक्निक ही बताऊँगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही जानकारी मिले। तो आपको क्या करना है, आपका ये रहेगा पोजीशन, ठीक है, जब आप वाटर सरफेस ब्रेक करेंगे। देखिए मेरे चिन पे वाटर सरफेस है, यहाँ पे वाटर सरफेस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे है तो पानी यहाँ पे लड़ेगा, यहाँ पे जब लड़ेगा ना तो आपकी बॉडी उतनी तेज़ी से आगे जाएगी नहीं। पूरा स्विमिंग का स्पोर्ट्स ही इसी बेसिस पे, इसी बेस पे डिपेंड है कि रेजिस्टेंस कितना कम से कम आप कर पाएँ। जितना आप रेजिस्टेंस कम कर पाएंगे आपकी बॉडी उतनी ईजिली कट हो पाएगी, ठीक है। तो आपको वाटर सरफेस कैसे पैरेलल में रहना है, और चिन पे रहेगा ये वाटर सरफेस, और दोनों हैंड जैसे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद आपका हेड हो जाएगा डाउन और हैंड आगे आएगा इस तरह। ठीक है, ये होता है प्रॉपर टेक्निक हैंड एंट्री और हेड की। ये नहीं होती है कि आप ये ले आए ऐसे, ये कोई टेक्निक नहीं होती। इस तरह आप करते रहेंगे, इस तरह कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला आपका। तो आप सही टेक्निक सीखिए और जल्दी जल्दी इम्प्रूव करिए, क्योंकि अब देखिए कॉम्पिटिशन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी आपको अगर आपका पहला कॉम्पिटिशन है तो अच्छे से इसको दीजिए, और फिर कोई दिक्कत होती है तो आप हम लोग को कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ कि हेड पहले इंटर होगा, हैंड बाद में आएगा, ठीक। और जब हैंड बाद में आएगा तब आपकी बॉडी ऐसे लचीली होगी, मतलब ऐसे जिग-जैग वेव बनाते हुए जाती है बटरफ्लाई में। तो ठीक है, अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी छोटी छोटी टिप आपको इस वीडियो इस चैनल पे मिलेगी, आप ज़रूर शेयर करिए। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।